वेलकम गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद आरती एंड गौरव। गाइस आज हम हैं जयपुर के अंदर और आज हम स्टे करने वाले हैं लॉर्ड प्लाजा होटल के अंदर। ये जो होटल है ये इन द हार्ट ऑफ सिटी जयपुर के अंदर है। हम करेंगे आपको इस होटल का पूरा टूर और आपको देंगे पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप जयपुर आने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। गाइस यहाँ पे देखिए, एंटर होते ही यहाँ पर तो एक ज्वेलरी की शॉप टाइप बनी हुई है और यहाँ पे आपको बेहद खूबसूरत स्टोन ज्वेलरी यहाँ की स्पेशलिटी है यहाँ पे आपको मिल जाएगी परचेज करने के लिए। और गाइस अभी हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। और गाइस मैं यहाँ पे आपको एक बात शेयर करना चाहूँगा कि जो इस होटल का चेक इन टाइम है वो दोपहर 2 बजे का है और चेकआउट टाइम जो है वो नेक्स्ट डे 12 बजे तक का है। और गाइज अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो देखते रहिए हमारे वीडियो अंत तक। और गाइज जो हमारा ये रूम है ये प्रीमियम पवेलियन कैटेगरी का रूम है और इसका जो हमें टैरिफ है वो राउंड अबाउट 6500 पड़ा है। और मैं आपको ये यहाँ बताना चाहूँगा कि बेसिकली इनके यहाँ पे 4 कैटेगरीज़ के रूम हैं, जिसमें एक है डीलक्स रूम, फिर है क्लब रूम, फिर पवेलियन रूम और फिर है एमरल्ड स्वीट रूम। तो गाइस ये देखिए हमें रूम में सबसे पहले तो यहाँ देखिए सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर है, प्रॉपर सोफ़ा और ये चेयर दे रखी है। फिर यहाँ पर हम लोगों को डबल बेड का यहाँ पर इन्होंने कर रखा है और टीवी है यहाँ पर, फ्लैट स्क्रीन टीवी है। और ये आप यहाँ ये थोड़ा देखिए तो यहाँ पे फ्रिज फैसिलिटी भी दी हुई है। और ये है यहाँ का वार्डरोब। और वार्डरोब में गाइस एक और फैसिलिटी मैं आपको दिखाती हूँ, वो है लॉकर फैसिलिटी। तो आपने कोई वेल्यूबल्स हैं वो यहाँ पर लॉकर में सेफ रख सकते हैं। तो गाइस ये है हमारे रूम का बाथरूम, अच्छा खासा स्पेशियस बाथरूम है और फैसिलिटीज में सारी हैं। बीच में ग्लास का डिविजन है और ये देखिए बहुत ही नीट एंड क्लीन है। तो बहुत खूबसूरत कमरा है, बहुत स्पेशियस है और जैसा कि गौरव ने कहा ये पवेलियन प्रीमियम पवेलियन कैटेगरी का रूम है और इसका फेयर है 6500 पर डे। और रूम के बाहर ही ये बालकनी है और इससे बाहर का देखिए आपको सारा दूर दूर तक पहाड़ और दूर दूर तक का व्यू दिखाई देता है। और इससे फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे जो है सूरज की रोशनी आती है। तो इस होटल का एक प्लस पॉइंट ये है कि हर रूम के साथ इन्होंने प्रॉपर बालकनी दी हुई है। और गाइस अगर आप जयपुर आए हैं और आप यहाँ की मार्केट के बारे में और शॉपिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर चेक करिएगा। तो गाइस हम जब भी कभी किसी जगह पर जाते हैं और होटल के लिए देखते हैं तो हमारा सबसे पहला कंसर्न ये होता है कि वहाँ के जो टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं वो कितना दूर है। तो मैं इस होटल से आपको मैं कुछ डेस्टिनेशन पॉइंट्स का मैं आपको डिस्टेंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो इसका डिस्टेंस है 5 किलोमीटर्स, अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो इसका डिस्टेंस है 10 किलोमीटर्स, और अगर आप यहाँ से हवा महल जो कि जयपुर का वन ऑफ द मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन पॉइंट है वो है यहाँ से 3 किलोमीटर्स, सिटी पैलेस है 3 किलोमीटर्स और यहाँ का जो अल्बर्ट हॉल है वो है यहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर, और जो यहाँ का मेन शॉपिंग हब है दैट इज़ बापू बाज़ार वो हार्डली यहाँ से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो गाइस लंच का टाइम हो गया है तो चलिए चलते हैं और आपको रेस्टोरेंट एरिया विजिट कराते हैं। गाइस ये है बाहर का लॉबी एरिया और हमारा जो रूम है वो यहाँ पर 4th फ्लोर के ऊपर है। गाइस हम लिफ्ट से बढ़ रहे हैं रेस्टोरेंट एरिया की तरफ। गाइस लिफ्ट के अंदर ये डिस्प्लेड हैं एरियाज जहाँ पे इनके होटल्स हैं। इनके होटल्स देखिए बहुत सारी जगहों पर हैं इंडिया के अंदर और नेपाल के अंदर भी है और नेपाल में भी इनका होटल है। तो अब हम आ गए हैं 1st फ्लोर पे जहाँ पे रेस्टोरेंट एरिया है। तो गाइस हम 1st फ्लोर पे हैं और हम बढ़ रहे हैं रेस्टोरेंट की तरफ। तो ये जो रेस्टोरेंट है ये इसका नाम है ब्लू कोरिएंडर। चलिए आइए आपको दिखाते हैं अंदर का व्यू। ये देखिए गाइस ये है इनका खूबसूरत रेस्टोरेंट एरिया और डे टाइम में देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी रोशनी आ रही है। अच्छा बड़ा एरिया है और बहुत खूबसूरत सिटिंग अरेंजमेंट है। यहाँ पे गाइस बुफे लगा हुआ है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये देखिए असॉर्टेड इंडियन ब्रेड्स हैं और ये
रसभरी है और यहाँ पे राइस है, मोतिया पुलाव अवेलेबल है और हम आपको दिखाते क्या है। और यहाँ पे दाल तड़का है, दाल तड़का है और मैं आपको दिखाती हूँ और क्या क्या है। और यहाँ पे कॉर्न पालक है और पनीर लबदार है और यहाँ पर ये देखिए सैलड्स वगैरह भी हैं। तो यहाँ पे अच्छा खासा बुफे है, यहाँ पे पिकल्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे और नमकीन वगैरह भी हैं, साथ में यहाँ पे देखिए वेजिटेबल रायता भी है। तो अच्छा खासा यहाँ पे बुफे है, तो यहाँ पे आपको अपनी पसंद के आइटम मिल जाएंगे और साथ में यहाँ आला काटे का भी प्रोविज़न है। तो गाइस बहुत सारे ऑप्शंस हैं, देखिए हॉट कॉफ़ी, कॉफ़ीज, हॉट कोको, हॉट टी, आइस टी, सैंडविचेस, मैगीज और डिफरेंट डेजर्ट्स के भी ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर अरेंजमेंट है, ये देखिए बहुत ही प्यारा इंटीरियर है यहाँ का और अच्छा बड़ा और स्पेशियस रेस्टोरेंट एरिया है। अब हम करेंगे यहाँ का फूड टेस्ट और आपको देंगे यहाँ के फूड के रिव्यू। तो गाइज हमने यहाँ पे खा लिया खाना और खाना मेरे को वाकई बहुत अच्छा लगा। और अब मैं स्वीट डिश में मैंने यहाँ पे ली है रसबरी है, मेरे को थोड़ा डिफरेंट चीज़ लगी है, तो लेट मी टेस्ट एंड टेल यू। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, कहीं कुछ कुछ मेरे को गुलाब जामुन की याद आ गई इसको खा के। एंड इफ़ यू कम हियर यू कैन ट्राई दिस वन ऑल्सो। ये देखिए गाइस हम फर्स्ट फ्लोर से आपको नीचे लॉबी का व्यू दिखा रहे हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने डेकोरेट करा हुआ है इसको। तो हम चलते हैं अपने रूम की तरफ। गाइस अब हम आपको लेकर चलेंगे इस होटल के दूसरे रूम विजिट कराने, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो गाइस अभी हम होटल के जिस कैटेगरी रूम में जा रहे हैं वो है पवेलियन। तो गाइस देखिए यहाँ पे भी कैटल फैसिलिटी है, रूम का साइज अच्छा खासा बड़ा है और ये जैसे कि आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन है और सिटिंग अरेंजमेंट है और एक अलग से भी सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया है। प्लस ये देखिए ये डबल बेड है, उसके बाहर का लुक हम आपको दिखाते हैं। ये प्रॉपर सेटर बनाया गया है और इसके बाहर से आप ये देखिए ये आउटसाइड व्यू है, तो चारों तरफ देखिए बाहर से आपको माउंटेंस का व्यू और पूरा कंप्लीट व्यू मिलता है। और यहाँ स्पेशल तरीके से एक सेटिंग अरेंजमेंट किया गया है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, तो ये इस रूम की एक एडेड एडवांटेज है। और यहाँ पे खिड़कियाँ होने के कारण यहाँ प्रॉपर सनलाइट आ रही है। एक बार और मैं आपको पूरे रूम का कंप्लीट लुक देती हूँ, ये देखिए, ये देखिए गाइस यहाँ पे फ्रिज फैसिलिटी भी है और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे प्रॉपर वार्डरोब है और वार्डरोब के ये देखिए प्रॉपर वार्डरोब फैसिलिटी है। और अब हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ का वॉशरूम, यहाँ का वॉशरूम अच्छा खासा सफिशिएंट स्पेशियस है और बहुत नीट एंड क्लीन है। तो गाइस हम बढ़ रहे हैं सेकंड फ्लोर की तरफ और अब हम आपको दिखाएंगे यहाँ के डिलक्स और क्लब रूम्स। तो गाइस हम बढ़ रहे हैं आपको दूसरे रूम दिखाने की तरफ और ये जो आप रूम देखने जा रहे हैं ये यहाँ का डिलक्स कैटेगरी का रूम है। तो चलिए देखते हैं यहाँ का डिलक्स रूम, ये देखिए यहाँ पे कैटल फैसिलिटी है, प्रॉपर वार्डरोब है और टीवी है, डबल बेड है। और गाइस ये जो यहाँ पे बेड है ये एक्चुअली ट्विन बेड्स हैं, इनको भी इन्होंने ज्वाइन कर रखा हुआ है, तो आप यहाँ इन बेड्स को अलग अलग भी आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको सेपरेट कर सकते हैं। प्रॉपरली देखिए लाइटिंग अच्छी है और यहाँ पे भी विंडो है, बाहर बालकनी का लुक है और यहाँ से आप बाहर का कंप्लीट लुक ले सकते हैं। और गाइस मैं एक बात यहाँ बोलना चाहूँगा कि जो उसका व्यू है इतना शानदार है क्योंकि ये जो सामने रोड देख रहे हो ये काफ़ी मेन रोड बिजी रोड है, तो यहाँ हमेशा
व्हीकल या लोगों की चहल पहल बनी रहती है, तो अगर आप यहाँ भी बैठे तो बैठे बैठे भी आप कभी बोर नहीं होंगे और एक आपको एक अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पर डेस्क फैसिलिटी है, तो प्रॉपर जो बेसिक सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। तो एक और ओवरव्यू है, देखिए कंप्लीट व्यू डीलक्स रूम का। ये देखिए गाइस, ये यहाँ का क्लब रूम है, साइज़ बहुत अच्छा है इस रूम का। जैसे कि मैंने आपको बताया वार्डरोब एंटर होती है, ये वार्डरोब फैसिलिटी है, और यहाँ पे ये मिनी फ्रिज है, केटली फैसिलिटी है, टीवी है, और ये देखिए बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पे टेबल आपके काम के लिए है, चेयर्स हैं, प्रॉपर सिटिंग है, और ये यहाँ पर किंग साइज़ बेड है। तो ये यहाँ का प्लस पॉइंट है कि इस रूम में किंग साइज़ प्रॉपर बेड है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का बाहर का व्यू। ये देखिए यहाँ पे भी विंडो है और बाहर बालकनी का लुक है। तो ये देखिए यहाँ से भी आपको बिल्कुल रोड दिख रही है बाहर की, और इससे क्या होता है विंडो से आपको सूरज की रोशनी प्रॉपर आती रहेगी, तो आपको भी खुलेपन का फील आता है, जो कि इस होटल के हर रूम का एक बहुत प्लस पॉइंट है। ये देखिए एक बार मैं फिर आपको दिखाती हूँ किंग साइज़ बेड, और ये कंप्लीट इस रूम का लुक। और गाइज अब हम आपको लेके जा रहे हैं यहाँ के बार एरिया में, इसका नाम है डिस्टिल। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो गाइज ये है यहाँ का कंप्लीट बार एरिया, अंदर भी थोड़ा सिटिंग अरेंजमेंट है, और जैसे कि हमने आपको दिखाया बाहर भी इस तरफ भी एक सिटिंग अरेंजमेंट है। आप ये देख रहे हैं ये चेरी ब्रांडी है, इसके अंदर आपको चेरी की गार्निशिंग की जाती है और ब्रांडी और सोडा से इसकी स्टैपिंग की जाती है। हमने जैसे सोडा डाला और इसके अंदर दो क्यू एस क्यू जाता है इसके अंदर। सो गाइस गौरव इज एंजॉयिंग हिज ड्रिंक। चलिए पूछते हैं गौरव से कैसा लगा इनको ये ड्रिंक। गाइस ये एकदम रेड इलेक्ट्रोलाइट के इसको बोलते हैं, और इसका जो टेस्ट है बहुत ही स्मूदिंग है और बहुत ही रिफ्रेशिंग है। सो आई एम एंजॉयिंग माई ड्रिंक एंड दिस इज नॉन एल्कोहलिक। ऐसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अपनी रिसर्च करना, उसके एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाए कि जो अपने को अल्फा, जैसे उमेश ने बताया कि अल्फा जनरेट करे। अल्फा मीन्स वो अदर मार्केट। गाइस देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं कॉन्फ्रेंस रूम से अटैच, ये इनका एरिया है जहाँ पे हाईटी का पूरा सेटअप होता है, और यहाँ पे बुफे सिस्टम भी अरेंज किया जा सकता है, जिसकी आप यहाँ पे देख रहे हैं फिलहाल यहाँ पे हाईटी अरेंज की गई है। देखिए इसी के साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ कॉन्फ्रेंस रूम, उसकी कनेक्टिविटी है, और यहाँ पे देखिए अभी कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है। ये देखिए हॉल पूरा फुल है, अच्छा बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम यहाँ आपको मिलता है, और साथ में आपको हाईटी और बुफे के लिए बिल्कुल अटैच्ड प्लेस मिलता है। सो गाइज इट्स अ डिनर टाइम, और अभी हम इस रेस्टोरेंट के बाहर के एरिया में बैठे हैं। इट्स अ बिग बालकनी और यहाँ भी इतना शानदार सेटिंग अरेंजमेंट है। मैं चलिए आपको उसका व्यू दिखाता हूँ। देखिए गाइज बाहर का व्यू दिखा रही हूँ मैं आपको, यहाँ बैठ के आप डाइनिंग कर सकते हैं रात को, और बाहर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है बाहर। तो ये रेस्टोरेंट के बाहर का एरिया है, देखिए बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। तो ये भी एक एडेड एडवांटेज है इस जगह की। गाइस डिनर का टाइम हो गया है और हम डिनर के लिए आए हैं, और यहाँ पे बुफे लगा हुआ है, तो इसमें देखिए ये है मूंग दाल का हलवा, और पैन फ्राई नूडल्स हैं यहाँ पर, और दम बिरयानी अवेलेबल है, और साथ में है दाल तड़का और गोभी, गोभी मसाला, रियर पनीर मसाला, और ये चिकन हैदराबादी। तो ये इस वक्त हमें यहाँ पे अवेलेबल है, और साथ में है ये पापड़ वगैरह, सैलड्स, नमकीन और पिकल्स, और साथ में है यहाँ पे वेजिटेबल रायता, पनीर टिक्का, ओके, और ये अपना दही के छोले। दही के छोले ये यहाँ का स्पेशल है क्या? दही के ये सर लॉर्ड्स प्लाजा का दही के छोले स्पेशल है। ओके जी सर, तो इसमें फेमस ये है कि इसका ये अंकट से बनाते हैं, इसमें थोड़ा स्वीट टाइप में जाता है। अच्छा स्वीट टाइप में जाता है, थोड़ा क्रीमी टाइप में जाता है ये। अच्छा तो अपने यहाँ का ये स्पेशल है, अपने यहाँ का स्पेशल जी सर। तो चलिए ठीक है जी सर, अब इसको हम टेस्ट करते हैं। स्ट्रेट
और गाइस इनके जो स्टार्टर हैं सारे के सारे एकदम बढ़िया हैं, और लेकिन मुझे स्पेशली जो है दही के छोले और ये हनी चिली, ये मेरे को खास पसंद आए, तो मैं इनको 10 में से 10 मार्क्स दूंगा। ये सर आपका स्टफ पनीर स्पिनच। और गाइस ये एक और इनका स्पेशल यहाँ पर स्टार्टर है, ये है स्टफ पनीर स्पिनच रोल। ये सर आपका नवाबी रोल। तो गाइस ये अब हमारा आ गया एक और स्टार्टर, और ये है नवाबी रोल। तो गाइस जैसे इसका नाम है नवाबी रोल, बिल्कुल वैसी इसका टेस्ट है। इसके अंदर पनीर का और अंदर मावा और ड्राई फ्रूट्स की स्टफिंग है। तो गाइस अब फाइनली हमने मंगाया है मूंग की दाल का हलवा, जो कि डेजर्ट के अंदर है और जो कि गौरव को बहुत पसंद है। तो गाइस अगर टेस्ट की बात की जाए तो उसका टेस्ट एकदम बढ़िया है। इसके अंदर एक तो पहले सबसे पहले ज़्यादा ड्राई फ्रूट, और दूसरा इसमें जो मीठा है वो एकदम सही है, बहुत तेज़ मीठा नहीं है, हल्का मीठा है, जो कि मेरी पसंद है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप यहाँ आएँ तो आप इसको ज़रूर टेस्ट करें। गाइस ठंड का मौसम और गर्मा गर्म चाय, तो आरती इज़ इंजॉइंग हर टी, और इस वक्त मौसम बाहर का बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सुहावना है। तो गाइस अब चलेंगे ब्रेकफास्ट करने और देंगे आपको वहाँ का भी कुछ आइडिया। गाइस सुबह हम आ गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए, और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे बुफे लगा हुआ है और ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे एग्स हैं, और ये देखिए यहाँ पे पोटैटो वेजेस और पराठे का ऑप्शंस है, गोभी के पराठे हैं, और यहाँ पे प्लेन पूरी है, और ये यहाँ पे आलू मटर की भाजी है, और साथ में यहाँ पे कोटा कचौड़ी का भी ऑप्शन है, प्लस पोहा है, और ये है इडली और सांभर। तो गाइस यहाँ पर आपको बुफे में बहुत ऑप्शंस हैं, और ये देखिए यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, चौकोस वगैरह, ओट्स वगैरह, ये प्रोविजन भी है, साथ में यहाँ पे स्प्राउट्स है, और यहाँ पे फ्रूट्स है, फ्रूट सैलड्स है, सैंडविचेस हैं, तो ये है ऑल काइंड ऑप्शंस है, और साथ में इसमें आपका नमकीन है और जूसेस है, प्लस यहाँ पे प्रॉपर बेवरेजेस का ऑप्शन भी है, और प्लेन ब्रेड और बटर भी है। तो बहुत अच्छा बुफे है यहाँ पर, यहाँ पे कंप्लीट ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। तो गाइस हम दोनों ले आए हैं अपना ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम जयपुर विजिट करने निकलेंगे और आपको और भी इंटरेस्टिंग यहाँ के प्लेसेस दिखाएंगे, तो बने रहेगा हमारे साथ। गाइस वैसे तो होटल्स में बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं, पर यहाँ ब्रेकफास्ट के ऑप्शन भी बहुत अच्छे हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि आपके टेस्ट बड के हिसाब से यहाँ आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। गाइस एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगी कि इस होटल की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, सर्विसेज बहुत प्रॉम्प्ट हैं, फूड बहुत अच्छा है, और होटल बहुत ही नीट एंड क्लीन है, और सबसे बड़ी बात कि बहुत प्राइम लोकेशन में है, तो मैं अपने स्टे से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और ये जानकारी आपके काम की रहेगी। तो फिर मिलते हैं किसी नई जगह पे किसी नई जानकारी के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड।